अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू किचन स्टूडियो। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज जो रेसिपी हम लेके आए हैं वो एक्चुअली एक देसी मीठा है जो हम आपसे जिसकी रेसिपी शेयर करने जा रहे हैं। ये है हलवा, आज हम सूजी का बनाएंगे। और इसके लिए जो हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो यहाँ पे आपको सारे नज़र आ रहे हैं, मैं आपको बताती जाती हूँ। इसके लिए हमने तकरीबन, मैं इसको थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में बना रही हूँ, तो अगर आपने कम क्वांटिटी में बनाना है तो आप जो इंग्रेडिएंट्स है उसके हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। 1 किलो सूजी है, इसके लिए मैंने तकरीबन 1.5 कप जो है वो घी लिया है, और ये 1 से 1.5 कप तकरीबन मैंने इसके लिए दूध ली। ये मैंने 1 किलो सूजी के लिए तकरीबन 1 से 1.25 पाव जो है मैंने वो चीनी ली है। मीठा जो है वो आप अपने टेस्ट के मुताबिक एडजस्ट कर सकते हैं। उसके साथ जो इसमें ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं, ये जो जिनको आप ड्राई फ्रूट्स कह लें, उसमें ये मैंने पिस्ता और बादाम लिया है, इसको मैंने मोटा मोटा कूट लिया है। नारियल है बारीक कटा हुआ 1 आधा कप। इसमें किशमिश है, ये जो है मैंने सब्ज़ इलायची ली है जिसके मैंने पॉड्स अलग कर लिए हैं और सीड्स अलग कर लिए हैं। पॉड्स उसमें नहीं जाएंगे, सिर्फ सीड्स जाएंगे। और ये 1 चुटकी जो है वो जर्दे का रंग है जो कि मैं शीरा बनाने में इस्तेमाल करूँगी। सबसे पहले मैं जो ये हलवा बनाने जा रहे हैं इसमें शीरे से बनाएंगे। सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ कि आपने इसका शीरा कैसे तैयार करना है। ये मैंने एक सॉस पैन लिया है और इसमें मैंने 2 कप पानी लिया है। ऑलरेडी हम आपको ये बात बता चुके हैं कि जब भी आपने शीरा बनाना है तो जितनी आपकी चीनी होगी आपने उतना ही पानी डालना है। 2 कप पानी और ये मेरी 2 कप जो है चीनी है ये इसमें जाएगी। साथ जो इसमें जाएंगे ये थोड़े से जो हैं सब्ज़ इलायची के दाने और ये 1 चुटकी आपका जर्दे का रंग। और आपने इसका शीरा बना लेना है। आपने इसको बहुत ज़्यादा तार वाला नहीं बनाना है, आपने इसको पतला रखना है, इतना हो कि इसकी तार ना बने, जब तक हम दूसरी तरफ अपनी सूजी भून लेते हैं। अच्छा, जब तक हमारा शीरा तैयार हो रहा है, आप ये देख रहे हैं मैंने एक बड़ा देगचा लिया है। जब भी आप हलवा वगैरह बनाएं या कोई भी मीठा बनाएं, आप ये याद रखें कि आपने खुले मुँह का बर्तन लेना है। इसमें ये जो मेरा बनास्पति जो मैंने घी लिया है, अच्छा आप चाहें तो इसमें देसी घी भी ऐड कर सकते हैं, ऑयल से वो टेस्ट नहीं आता जो घी से आता है। मैंने नॉर्मल बनास्पति घी लिया है, अगर आप चाहें तो देसी घी भी ले सकते हैं। साथ इसमें ये चले जाएंगे सब्ज़ इलायची के जो बाकी थे दाने बीज बचे हुए। जब तक हमारा घी गर्म होता है और तब हम उसमें फिर सूजी ऐड करेंगे। ऑयल हमारा गर्म हो गया है, अब हम इसमें अपनी सूजी ऐड कर देंगे। आपने जब भी सूजी भूननी है तो आपने ये याद रखना है कि आपने जो आंच है उसको मीडियम टू लो पे रखना है, क्योंकि सूजी आपकी फ़ौरन जलने लग जाती है। आपकी सूजी जलनी नहीं चाहिए बल्कि अच्छी सी गोल्डन ब्राउन हो जानी चाहिए। और कॉन्टीन्यूसली आपने इसमें अपना चम्मच जो है वो हिलाते रहना है। ये आप देख सकते हैं हमारी सूजी का बड़ा अच्छा सा गोल्डन सा कलर आ गया है। बस आपने इसको इतना ही फ्राई करना है, ज़्यादा फ्राई नहीं करना कि आपकी सूजी जल जाए। सूजी भूनते हुए इसी चीज़ का ख्याल रखना पड़ता है कि आप सूजी को बस इतना ही करें कि वो फ्रेग्रेंट हो जाए। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके जो है वो दूध ऐड करेंगे। और इसको साथ साथ आपने हिलाते जाना है। इसमें भी आप थोड़ा सा जो है ये हलवा जो है थोड़ा वो होगा, मिक्स होगा, ये कि आपका हलवा थोड़ा सा जो सूजी है आपकी थोड़ी सी गल जाएगी। दो चार मिनट इसको पकाने के बाद आपने इसमें जो हम शीरा दूसरी तरफ तैयार कर रहे हैं आपने उसको ऐड कर देना। ये आप देख रहे हैं शीरा मेरा तैयार हो चुका है। आपको मैंने ऑलरेडी एक चीज़ बताई थी कि आपने इसको तार वाला नहीं बनाना। अब मैं इसका फ्लेम जो है वो बंद कर दूंगी
और मैं इसको अपनी जो सूजी है उसमें ऐड कर दूंगी। अब ये जो मेरी सूजी है जो भून चुकी है, इसमें मैं शीरा ऐड करूंगी। और इसको मैं अच्छी तरह मिक्स कर लूंगी। शीरा हमारा मिक्स हो चुका है। अब जो हमारे इसमें ड्राई फ्रूट्स थे वो जाएंगे। किशमिश थी 1/2 कप, आपका नारियल था बारीक कटा हुआ, और ये पिस्ते बादाम थे जिनको हमने मोटा मोटा कूट लिया था। इसको आपने अच्छी तरह हलवे में मिक्स कर देना है। और फिर आपको हम इसकी फाइनल प्रेजेंटेशन जो है वो दिखाएंगे। चीनी का आपने अपने हिसाब से रखना है कि आपको कितनी चीनी पसंद है। मीठा जो है वो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रखिएगा। बाकी हम आपको इसकी फाइनल प्रेजेंटेशन बताते हैं। ये आप देख सकते हैं हलवा हमारा फाइनली डिश आउट हो गया है। आपने इसको घर पे इस रेसिपी को लाजमी ट्राई करना है और हमें ज़रूर बताना है कि ये कैसा लगा। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह आपके साथ फिर किसी नई रेसिपी के साथ मुलाकात होगी। तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।